नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार से आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को भी कर्मचारियों को आंदोलन गांधीवादी तरीके से जारी है। काली पट्टी बांधकर आंदोलनकारी कर्मचारी रोगी सेवा कर रहे हैं ताकि रोगियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। रोगी सेवा को सर्वोपरि रखते हुए आंदोलनकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अनुसार वार्डो में कार्य कर रहे हैं। मालूम हो कि राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर विगत लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारी बुधवार से काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले CHO नर्सेस की सेवाओं को बहाल किया जावे, लंबे समय से संविदा पर चल रहे कार्मिकों का संविदा काल का नॉशनल लाभ दिए जाने, नर्सेस भर्ती में ठेका पद्धति बंद करने, चिकित्सा विभाग में विभिन्न प्रकार के विभाग खोलने के साथ साथ कार्मिकों के पद बढ़ाने, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में 8,000 तथा NM भर्ती में 5,000 पद बढ़ाने तथा संविदा कार्मिकों को नियमित करने सहित अन्य शामिल है। गुरुवार को काली पट्टी बांधकर आक्रोश प्रदर्शन करने वालों में मीत चौहान, पंकज नावेद, संजय चौहान, दीपक लक्ष्मण काठा, जितेंद्र शर्मा तथा चंद्रभान सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे। हमारे राजस्थान के अध्यक्ष श्री कुशीराम जी मीणा के सानिध्य में राजस्थान सरकार को जगाने के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। हम विरोध प्रदर्शन पूर्ण तरह कार्य को करके विरोध कर रहे हैं। कार्य में किसी प्रकार की हमारे द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी, लेकिन हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हमारी 11 सूत्रीय जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हमारे राजस्थान कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री कुशीराम जी मीणा के सानिध्य में जो दिशा निर्देश होंगे कि इस आंदोलन को अगर उग्र करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और सरकार से पुनः ये निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे को पूर्ण करके हमें सहयोग करें।